पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर गृहमंत्री अनिल विज का बयान। पीयू में हमारा हिस्सा पहले से है, पहले हरियाणा के कई कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहे हैं। 1972 में मैंने अंबाला के कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी, तब उनका कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था। तो हम पंजाब से कोई हिस्सा नहीं मांग रहे, हरियाणा का पहले से हक है और उसी हक की बहाली की बात कर रहे हैं। तो आज देखिए बैठक हुई, इससे पहले भी बैठक हुई थी, हालांकि पिछली बैठक में कहा गया कि सकारात्मक रुख पंजाब की ओर से देखा गया, लेकिन आज पंजाब की दो टूक हरियाणा को कि पीयू पंजाब की है, पंजाब की रहेगी, हरियाणा का कोई हिस्सा इसमें नहीं है। नहीं नहीं, हम कोई हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, हिस्सा तो हमारा पहले ही है। हरियाणा तो 1966 में बन गया था, उसके बाद भी लगातार हम पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहेंगे और मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। हालांकि मैं पढ़ता एसटी कॉलेज में था, लेकिन ये एफिलेटेड थे। मैंने 72 में ग्रेजुएशन की थी और उसके एक दो साल के बाद वहाँ से डिसएफिलेट हो गए थे, तो दोबारा एफिलेट कराना, हिस्सा तो हमारा पहले ही है, नहीं तो 66 में ही खत्म हो जाता अगर हिस्सा ना होता तो। तो अनिल विज को आपने सुना, अनिल विज का कहना है कि पीयू में हरियाणा का पहले से हिस्सा है और हरियाणा कुछ नया या अलग नहीं मांग रहा है। मैंने खुद अंबाला से ग्रेजुएशन की और हमारा कॉलेज पीयू से मान्यता प्राप्त था।